नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंदेशक न्यूज़ में। अंदेशक न्यूज़ आपके संघर्ष का साथी। यहाँ पर एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, यूपी सरकार की असफलता का सबूत पेश है आज की इस खास खबर में। साथियों, यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, अभी अभी वैश्विक शिक्षा विभाग में एक तस्वीर वायरल की गई जो कि जितेंद्र रत्नाकर अंदेशक हैं, जो महोवा से हैं, और उन्होंने एक बहुत ही दयनीय तस्वीर को पोस्ट किया है और अपने दुख को बताया। इसी के साथ एक खबर और आई थी, यूपी के श्रावस्ती में उच्च प्राथमिक विद्यालय मनोहरपुर में तैनात अंदेशक बहन संतोष कुमारी को काफ़ी समय से समस्या थी, बीमारी चल रही थी, आर्थिक तंगी की वजह से इलाज नहीं करा पाई और अंत में उनका देहावसान हो गया। ये बहुत ही दुखद घटनाएँ हैं और मैं लगातार दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। इसके साथ ही अंदेशक अपना खर्च चलाने के लिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए इस नौकरी के अलावा छुट्टी के दिन या छुट्टी के बाद रात में किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई काम कर रहे हैं, जैसे ई रिक्शा चलाना, शटरिंग का काम करना, चाट पकौड़ी ठेले लगाना इत्यादि। तो साथियों, आप देख सकते हो अंदेशक बहन तक ई रिक्शा चला रही हैं। सुनीता बहन, जो कि पहले से ही आपको हमने चैनल के माध्यम से बताया था, ये ई रिक्शा चलाती हैं स्कूल के बाद। तो आप देख सकते हो क्या दयनीय स्थिति बनाकर रख दी है अंदेशक राष्ट्र निर्माताओं की। क्या वाकई में हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं जब तक इन राष्ट्र निर्माताओं की बात को नहीं सुना जाएगा? तब तक बेईमानी होगा ये कहना कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।